दलित एकता महासंघ द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर सिंह सागर के नेतृत्व में एक बैठक हिमगिरी स्थित कार्यालय पर की गई। वक्ताओं ने कहा कि योग गुरु बाबा रामदेव ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायियों को गलत बताया और हमारे पूजनीय देश समाज के महापुरुषों का अपमान किया। वक्ताओं ने बैठक के माध्यम से बाबा रामदेव के इस कृत्य की घोर निंदा की और बाबा रामदेव के खिलाफ कानूनी कार्यवाही एवं SC एक्ट का मुकदमा दर्ज करने की बात कही। बाबा रामदेव के इस बयान से देश समाज में काफी रोष व्याप्त है। देखिए, अपने आप को बाबा कहलाने वाले रामदेव जी ने दलित महापुरुषों के विषय में बहुत ही निंदनीय और बहुत ही अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि दलित जो महापुरुष थे वो एक आतंकवादी थे, वैचारिक आतंकवादी, उनके जो विचार थे वो आतंकवादी विचार थे। इसी उपलक्ष्य में आज हमने दलित एकता महासंघ के माध्यम से एक बैठक का आयोजन किया है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम बाबा रामदेव के जो प्रोजेक्ट हैं उनका विरोध कर रहे हैं। पतंजलि की कोई भी हमारे दलित समाज का व्यक्ति इस सामान को नहीं खरीदेगा और हम ये शासन और प्रशासन से एक मांग कर रहे हैं कि बाबा रामदेव को, या तो बाबा रामदेव दलित समाज के महापुरुषों को जो उन्होंने अपने भाषा में कहा है उसको, अपने शब्दों को वापसी लेकर माफ़ी मांगें, वरना पूरे हिंदुस्तान के अंदर दलित एकता महासंघ दिन प्रतिदिन बाबा रामदेव के पुतले फूकने का काम करेगा और उनकी जो है निंदा करेगा। सर, किस तरह से और विरोध जताएंगे? अभी आपने कहा था कि जो प्रोडक्ट है उन पर काली पट्टी वाल के विरोध जताया जाएगा। देखिए, अगर ये बाबा रामदेव अगर हमारी जो दलित महापुरुषों को उन्होंने कहा है अगर उसकी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो जितने भी पतंजलि के जो प्रोजेक्ट हैं, जो सामान बेचते हैं बाबा रामदेव, उसका हम घोर निंदा करेंगे, उसका विरोध करेंगे। पूरा दलित समाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर काली पट्टियाँ बांध के जो है इनका विरोध करेगा और जो भी इनके योग शिविर लगाए जाते हैं जगह जगह वो भी हम नहीं करने देंगे, उसका हम विरोध करेंगे। और बाबा रामदेव जब तक इस बात की माफ़ी नहीं मांगेंगे, उनको माफ़ नहीं कराया जाएगा, उनको देश माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि दलित समाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर 85% समाज है और उस समाज के जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, भगवान वाल्मीकि, उन्होंने रामायण लिखी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने देश का पूरा संविधान लिखा है, ऐसे लोगों के लिए अगर इस प्रकार की अशोभनीय भाषा का प्रयोग करा जाएगा हिंदुस्तान के अंदर तो बाकी लोगों का क्या होगा। ये बहुत ही निंदनीय बात, इसमें बाबा रामदेव को जो है माफ़ी मांगनी चाहिए।